दोस्तों G20 के प्रेसिडेंट के रूप में भारत का ऐलान होने के बाद पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए G20 के नए लोगो, थीम और वेबसाइट के बारे में अच्छे से समझाया। दोस्तों इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक का चिन्ह नहीं बल्कि यह एक नया संदेश है, यह एक भावना है जो हमारी रंगों में है और दुनिया इसकी सराहना भी कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं G20 क्या है और 2023 में इससे भारत में क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों G20 जहां 19 देश शामिल है और एक संगठन है जो यूरोपियन यूनियन, जिसको मिलाकर G20 का निर्माण करते हैं। इसमें 20 देशों के प्रेसिडेंट की सालाना बैठक होती है जिसमें G20 शिखर के नाम से जाना जाता है। इन देशों में स्पेन एक ऐसा देश है जिसे परमानेंट गेस्ट के रूप में शामिल किया जाता है। इस सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विषय यानी आतंकवाद, आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य और भी जरूरी मुद्दे पर चर्चा होती है। दोस्तों पूरी दुनिया में जितना भी आर्थिक उत्पादन होता है उसमें 80% योगदान इन्हीं 20 देशों का होता है। दोस्तों पूरी दुनिया की जितनी भी आबादी है उसकी 2/3 आबादी इन G20 देशों के पास है और पूरे दुनिया में जितना भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होता है उसमें से 3/4 हिस्सा इन G20 देशों में होता है। 1970 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए दुनिया में जो भी मेजर इकोनॉमी थी उसको इसका आइडिया आया कि एक ग्रुप बनाना चाहिए और उसके बाद साल 1999 में G20 ग्रुप की स्थापना हुई। यह स्थापना 7 देशों ने मिलकर की, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई। इसका मेन पर्पस था फाइनेंशियल एग्रीमेंट और इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार लाना। दोस्तों G20 से पहले G7 की स्थापना हुई थी, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखा जाए तो वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज ने G7 के एक नए ऑर्गेनाइज की शुरुआत की जिसका नाम G20 रखा गया। इसकी स्थापना की बात करें तो 25 सितंबर 1999 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में की गई थी। इसका पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन US में आयोजित हुआ था। तभी से हर साल ये सम्मेलन आयोजित होने लगा और हर साल ये सम्मेलन अलग अलग देशों में आयोजित किया जाता है। वैसे दोस्तों ये सभी कंट्रीज अभी के 20 मेंबर हैं, इन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों 2020 की G20 सम्मेलन का मेन डिस्कशन का सब्जेक्ट COVID-19 था। G20 ग्रुप ने नेशनल लीडर द्वारा COVID-19 महामारी से निपटने की दिशा में एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया। यह हर साल एक देश इसकी प्रेसिडेंटशिप के रूप में चुना जाता है जिसे G20 प्रेसिडेंसी के रूप में माना जाता है। इस G20 सम्मेलन में मेंबर नेशन के अलावा इनवाइट देश थे जैसे स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और इसके अलावा कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इनवाइट किया गया था। दोस्तों भारत की G20 की प्रेसिडेंटशिप दुनिया में यूनिटी की एक यूनिवर्सल फीलिंग को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी, इसलिए हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये ह्यूमन कंडीशन में उन हालिया चेंजेस को ध्यान में रखता है जिसकी सराहना करने में हम सामूहिक रूप से फेल रहे हैं। आज हमारे पास दुनिया के सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए इनफ प्रोडक्शन करने की रिसोर्सेज है। आज हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। सौभाग्य से आज की जो टेक्निक है वह हमें ह्यूमनिटी के वाइल्ड स्केल पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने का रिसोर्स भी प्रोवाइड करती है। आज हम जिस विशाल वर्चुअल दुनिया में रहते हैं उससे हमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज की स्कोप का भी पता चलता है। दोस्तों भारत इस तेजी से बढ़ती दुनिया का सूक्ष्म जगत है जहां विश्व की आबादी का 1/6 हिस्सा रहता है और जहां भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों और विश्वासों का लार्ज डाइवर्सिटी है। वैसे सामूहिक निर्णय लेने की हम सबसे पुरानी ज्ञात परंपराओं वाली सभ्यता होने के नाते भारत में दुनिया लोकतंत्र के बेसिक DNA में अहम रोल देते हैं। दोस्तों आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, हमारे टैलेंट यूथ की क्रिएटिव जीनियस का न्यूट्रिशन करते हैं, हमारा सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल एक हसीये पर खड़े लोगों का भी ख्याल रखता है। हमने ऐसी डिजिटल पब्लिक यूटिलाइज बिल्डअप करने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया है जो ओपन इंक्लूसिव और इंटरऑपरेबल है। इसके कारण सोशल सिक्योरिटी, फाइनल इंक्लूसिव और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जैसे हर जगहों में रेवोल्यूशनरी प्रोग्रेस हुई है। वैसे आप लोग देख सकते हैं UPI पेमेंट आने से सभी लोगों के लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ है। दोस्तों इन सभी कारणों से भारत के एक्सपीरियंस पोटेंशियल ग्लोबल सेलिब्रेशन के लिए इनसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। G20 प्रेसिडेंटशिप के दौरान हम भारत के एक्सपीरियंस, नॉलेज और फॉर्मेट को दूसरे के लिए, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एक पोटेंशियल टेम्पलेट के रूप में प्रेजेंट करेंगे। हमारी G20 प्रायोरिटीज को न केवल हमारे G20 पार्टनर्स बल्कि दुनिया के दक्षिणी हिस्से में हमारे साथ चलने वाले देशों, जिनकी बातें अक्सर अनसुनी कर दी जाती है, उन्हें भी डिटरमाइन में कंसल्टेशन किया जाएगा। दोस्तों हमारी प्रायोरिटीज हमारी एक पृथ्वी को रिजर्व करके
हमारे एक फैमिली में क्रिएट हार्मोनी और हमारे एक फ्यूचर को होपफुल करने पर कॉन्सेंट्रेट होगी। अपने प्लेनेट को मेंटेन करने के लिए हम भारत के नेचर की देखभाल करने की परंपरा के आधार पर अस्थाई और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को इनकरेज करेंगे। दोस्तों, हमारी आने वाली पीढ़ियों में उम्मीद जगने के लिए हम बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार से पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने और ग्लोबल सिक्योरिटी बढ़ाने पर मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के बीच एक हॉनेस्ट कन्वर्सेशन को प्रोवाइड इनकरेजमेंट करेंगे। दोस्तों, भारत का G20 एजेंडा इंक्लूसिव, एम्बिशन, एक्शन ओरिएंटेड और डिसाइसिव होगा। आइए हम भारत की G20 प्रेसिडेंटशिप को पोटेंशियल हार्मोनी और उम्मीद की अध्यक्षता बनाने के लिए एकजुट हो। आइए हम ह्यूमन सेंट्रेड ग्लोबलाइजेशन के एक नए मॉडल को फॉर्म देने के लिए साथ मिलकर काम करें। ओके दोस्तों, G20 2023 में हमारे देश में बहुत सारी खुशियां लाने जा रही है। आपको इससे बेनिफिट या लॉस लगता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने परिवारों को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।